नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जांगिड आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों 26 mm हैमर मशीन का। दोस्तों जो कि हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसका दोस्तों सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, और इसमें जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पूरी मशीन को खोल कर इसके सभी कम्प्लीट स्पेयर को, ख़राब स्पेयर को हमने परख लिया था, देख लिया था, और उसका जो स्पेयर है हमने मार्केट से परचेज कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना, इस वीडियो में मैं आपको इसको कंप्लीट सेट करके दिखाऊंगा, इसका आर्मेचर और गियर वगैरह जो भी ख़राब था इसका सभी स्पेयर हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, कंप्लीट देखें और ध्यान से देखें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा नॉलेज फुल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों मशीन हमने बिल्कुल पूरे सभी स्पेयर खोल दिए थे, उसके बाद में दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देखिए, ये जो सभी स्पेयर हमने लास्ट वीडियो में खोले थे इसका, जो कि मैंने फास्ट करके आपको फर्स्ट में दिखा भी दिया है। तो दोस्तों हमने जो मार्केट से परचेज किया है, ये देखिए यीवू कंपनी का, ये दोस्तों चाइनीज है, बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आर्मेचर। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो, ये देखिए जो आर्मेचर की वाइंडिंग है और फैन की क्वालिटी है, और कम्यूटेटर भी दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा है, और इसका मॉडल देखिए GBH2-26 इस पर लिखा हुआ है दोस्तों बिल्कुल। तो 26 mm हैमर मशीन है हमारी, जिसके लिए ये बिल्कुल सूटेबल आर्मेचर है, और इसका गियर भी आप देख सकते हैं, देखिए पुराना आर्मेचर बिल्कुल हमारा, वाइंडिंग ओके है बिल्कुल, कम्यूटेटर भी ओके है। तो दोस्तों मात्र ये देखिए ग्रुप देख पा रहे हैं, जो पुराना वाला आर्मेचर है हमारा ब्लैक फैन वाला, उसका जो आगे से गियर है कटे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए फर्स्ट में हम इसमें डालने वाले हैं 609 नंबर का V3 का बैरिंग SCH का। तो दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बैरिंग होते हैं, V3 जो क्वालिटी होती है दोस्तों, कंपनी चाहे आप कोई भी लें, बाकी V3 क्वालिटी ही डालें। तो दोस्तों ये देखिए पीछे वाला बैरिंग जो 607 नंबर का, वो भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों आर्मेचर के ऊपर दोनों बैरिंग लगाने के बाद में देखिए पीछे वाले बैरिंग पर हमने रबड़ सीट को लगा दिया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों देखिए ये गेयरबॉक्स की हाउजिंग है जो कि एल्युमिनियम वाली, तो इसे हमें दोस्तों जो भी इसमें पुराने हमारे गियर के टुकड़े हैं जो कटे हुए हैं, और पुराना ग्रीस है जो यहाँ पे, वो पूरा साफ़ कर लेना है, ताकि जो नए गियर के अंदर आकर हमारे गियर को और आर्मेचर को डैमेज ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना आपको, जहाँ पे भी आपका कोई भी स्पेयर टूटा निकला है। तो दोस्तों इसकी जो सीट है आगे वाली जो 609 नंबर वायरिंग की है, वो भी लूज है। तो दोस्तों इस पर हम देखिए वायरिंग के ऊपर फेविक्विक या एल्फी कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसको सीट में फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हल्का सा ठोक भी देंगे ऊपर से, ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाए अपनी सीट में बैरिंग। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है बैरिंग, और ये बार बार निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी जो सीट थी लूज थी। तो चलो दोस्तों ये हमारा जो आर्मेचर है इसके अंदर सेट हो चुका है। अब ये जो रबड़ सीट दोस्तों आप चेक कर लें, यदि आपकी लूज है हाउजिंग के अंदर, यदि लूज जा रही है तो आप इसे भी चेंज करें, क्योंकि रबड़ सीट काफ़ी ज़रूरी है बिल्कुल फिक्स होना, नहीं तो आपका जो आर्मेचर है फील्ड के अंदर रगड़ मारेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रीसिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया, बाकी आपको समझ पूरा आएगा। तो दोस्तों ये देखिए मेन इसका रीजन, जो स्पेयर इसका ख़राब है, स्प्रिंग के नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, बिल्कुल ये बिल्कुल इसका कट चुका है दोस्तों, प्लास्टिक वाला जो कि नीचे हमारा बेस है इसका स्प्रिंग का, ये देखिए हमने दूसरा लिया है इसे। तो दोस्तों इसको हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इसी की वजह से इस मशीन के अंदर पूरा सिस्टम ख़राब हुआ है। मात्र 30-40 रुपए के आइटम के चक्कर में दोस्तों इस मशीन में लगभग 600 रुपये का खर्चा हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले इसको सेट करने के लिए स्प्रिंग को इस टाइप से, जो प्लास्टिक वाली गिट्टी इसकी लगी हुई है नीचे की तरफ, और फिर ऊपर से राउंड गियर लगाना है, और मशीन को हमने वाइस के अंदर फिक्स कर दिया दोस्तों, ताकि बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर सके दोनों हाथों से, और गियर को जो राउंड गियर है उसको नीचे की तरफ दबा लेना है, और इस टाइप से आपको टेपर बैरिंग लगा देना है दोस्तों। उसके बाद में
टेपर बैरिंग को थोड़ा बाहर खींचकर, और यहाँ से हमें पिस्टन की पिन है जो उसके अंदर टेपर बैरिंग का जो हमारा शाफ्ट है इसके अंदर सेट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, टेपर बैरिंग को पूरा नीचे की तरफ दबा लेंगे और ये जो यू पत्ती है इसे लगा लेना है हमें। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, यू पत्ती को इस टाइप से रख के और बड़े पेचकस से आपको इसे इस टाइप से ऊपर उठाकर और इसको आगे की तरफ ठोक लेना है इस टाइप से। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा सिस्टम लॉक हो गया है। तो दोस्तों सिर्फ एक यू पत्ती से ही पूरा सिस्टम सेट हो जाता है इसका, बिल्कुल काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों इसके बाद में ग्रीसिंग इस पर भी अच्छे से करेंगे हम, बिल्कुल बैरिंग के अंदर भी, गेयर के अंदर भी। तो दोस्तों ग्रीस है जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का यूज करना है दोस्तों, जेल ग्रीस यूज कर रहे हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए, जो इसका पूरा मेन सिस्टम वाला जो गेयर वाला बैरिंग, ये गेयर है दोस्तों, लॉन्ग गेयर, जो कि इसके तीनों मोडों को मशीन ऑपरेट होती है। यहाँ पे ये इस टाइप से चलता है अप डाउन। एक बार घुमाकर चेक करेंगे कि हमारी पिस्टन किस टाइप से घूमती है। ये देखिए बिल्कुल मशीन हमारी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इस टाइप से ये बैरिंग घूमता है और पिस्टन अप डाउन होती है दोस्तों। चलिए, गेयर बॉक्स की हाउसिंग है जो लगाकर हम बिल्कुल सेट करके सभी पेच लगा लेंगे। पेच दोस्तों बिल्कुल आपको वन बाय वन आमने सामने ही टाइट करने हैं चारों पेच इसके। इसके बाद में देखिए, दोस्तों लग चुके हैं सभी पेच। मशीन को हमने वाइस में बिल्कुल सीधा फिट कर दिया है और अब हम लगाने वाले हैं इसका कार्बन होल्डर। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले हम 26 mm के ही कार्बन इसके अंदर यूज कर रहे हैं, बाकी कई बार आप 220 के कार्बन भी इसमें लगा सकते हैं स्प्रिंग काट कर, और 600 जो हमारा ग्राइंडर होता है उसके भी कार्बन आप इसमें लगा सकते हैं, बाकी हम बिल्कुल प्रॉपर इसमें 26 mm के ही कार्बन लगा रहे हैं। तो दोस्तों जो कार्बन की थिम्बल है वो आपको ज़रूर लगा लेनी है, ताकि कार्बन ख़त्म होने पर जो कार्बन का छोटा पीस बचता है वो जाकर आपके फील्ड और आर्मेचर में फंसे नहीं और आपकी जो मशीन है सेफ रहे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे रख के दोनों स्प्रिंग बिल्कुल लगा देनी है, और ये देखिए जो इसके लॉक हैं टूल कार्बन होल्डर के, ये दोनों यहाँ पे रखना है बिल्कुल सेंटर में और इसको नीचे की तरफ दबा लेना है दोस्तों यहाँ पे, और ये काफ़ी आसानी से लग गया है। तो ये देखिए, स्विच की जो थिम्बल है दोनों, उन्हें लगा लेंगे यहाँ पे। ये लग चुका है स्विच भी हमारा बिल्कुल। वायर दोस्तों सेट कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हैंडल हम बंद करेंगे इसका बैक हैंडल, जिससे कि ये वायर बीच में आकर कटे नहीं, तो बैक हैंडल इसका हम बिल्कुल फिट कर देंगे और पेच भी इसके प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइट करने। मात्र तीन ही पेच है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मशीन बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद में दोस्तों मशीन की जो सबसे मेन, आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा इसमें जो अब हम लगाने वाले हैं इसकी नॉब, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, नॉब के लिए जो इसमें देखिए जो वायर का सा एक टुकड़ा लगा होता है चिड़िया बैरिंग के ऊपर, उसको बिल्कुल पीछे की तरफ कर लेना है पतले पेचकस से, आपको टेस्टर से इस टाइप से हल्का सा चलाकर आप मशीन को, ये देखिए पीछे आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो नॉब है इसका वो यहीं पे डलेगा इसमें, जो नॉब का देखिए नॉब के अंदर भी एक पॉइंट होता है नीचे की तरफ, और इसी डायरेक्शन में आपको नॉब को यहाँ पे रखकर और प्रेस करना है इसको, और यहाँ से देखिए नीचे की तरफ नॉब को दबा देना है और यहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, नॉब बिल्कुल लग चुकी है चेक करने के लिए। ये देखिए मशीन बिल्कुल चल पा रही है अच्छे से, नॉब बिल्कुल सेट अच्छे से हुई है। इसके लिए आप बिल्कुल नॉर्मल पे ही मशीन को चला के देखें, मशीन बिल्कुल रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से अच्छे से चल रही है। इसके बाद हम जिसका हिल्टी हैमर होता है, हैमर ड्रिल, उस पर हमने कर दिया है मशीन का, जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है दोस्तों। तो मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, और इसके बाद में आप लगाएंगे इसका बिट और इसे चेक करेंगे इसकी परफॉर्मेंस किस टाइप की आती है और पावर कैसा आता है। दोस्तों मशीन का पावर काफ़ी अच्छा आ रहा है, देखिए स्टोन हमने रखा हुआ है, काफ़ी पक्का है बिल्कुल, ये देखिए। तो दोस्तों मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है, वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेयर की रेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी
आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको, और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त भारत जैमिर आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं इसी टाइप के किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप कोई कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।